जनपद महोबा में बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी ने पूजन कर टंकी निर्माण का किया शिलान्यास। आपको बता दें कि यूपी 24 न्यूज पर कबरई क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर चलाई गई खबर का हुआ असर। जनपद महोबा के अंतर्गत कबरई के कलशाह बाबा के स्थान के पास पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत महोबा सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने जिलाधिकारी अवधेश तिवारी व सिंचाई विभाग के जेई नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश सिंह, CDO आदि अधिकारियों की उपस्थिति में पानी की टंकी का निर्माण कर शिलान्यास किया। जैसा कि आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से कबरई के आधा दर्जन वार्डों में पानी की भीषण किल्लत चली आ रही, जिसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए। साथ ही सांसद विधायकों जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई, तब जाकर पानी की समस्या को दूर करने के लिए टंकी निर्माण की नींव रखी गई, जिससे कबरई के लोगों को अब उम्मीद की किरण जगी और नगर में टंकी निर्माण के बाद पानी की समस्या दूर होने की आस लगाई गई है। साथ ही इस दौरान नगर के चेयरमैन मूलचंद कुशवाहा व टंकी की मांग की नींव रखने वाले प्रीतम निगम, पवन गुप्ता, सोनू जैन, घनश्याम त्रिपाठी, विजय गुप्ता, साथ ही नगर के सम्मानित समाजसेवी राजेंद्र शिवहरे, किसान यूनियन अध्यक्ष राम खिलावन शुक्ला, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह, युवा नेता प्रभात पाठक सहित तमाम लोग इस शिलान्यास कार्य में उपस्थित रहे। सरकार से कल साहब पर टंकी निर्माण का शिलान्यास हुआ तो किस योजना के तहत हुआ? ये कबरई पुनर्गठन पेयजल योजना, इसके अंतर्गत ये टंकी का निर्माण हुआ है। ये कबरई में पानी की संकट हमेशा से रहा है, ये आपको मालूम होगा, और कोई भी टंकी ऊंचाई पर ना होने की वजह से जो पहले पेयजल की व्यवस्था थी यहाँ, वो सब जगह पानी की पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती थी। अब ये कलशाह बाबा की टंकी बन जाने का वजह, उससे पूरे कबरई में ऊंचाई पर होने की वजह से पूरी कबरई में वाटर सप्लाई पेयजल योजना कबरई पर एक दर्जन से ज़्यादा वार्ड है, तो क्या सभी वार्डों को उम्मीद है कि ये टंकी बनने से पानी की समस्या दूर हो पाएगी? आपने मेरा जवाब नहीं सुना। ये कबरई पेयजल पुनर्गठन योजना है, इसके अंतर्गत बांध से लेके टंकी तक पूरे नगर पानी की पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। महोबा से यूपी 24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।